Hello everyone, I'm back with my new video. In this video, I have created last 20 days plan for AIIMS-BSc nursing entrance exam students. And see, this video is going to helpful for all the aspirants who are willing to pursue BSc honors from India's top medical colleges like AIIMS. और इस वीडियो में हम 3 weeks का last 3 week का plan discuss कर रहे होंगे, मतलब 20 days, 22, 23 days जो आपके पास बचे हुए अभी, उसमें आपको किस तरह से कहाँ से स्टार्ट करते हुए लाइक हर एक दिन क्या क्या करना है ना, हर एक दिन कौन सा चैप्टर कवर करना है, फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, बायोलॉजी में क्या करना है, वो चीज़ मैं बताऊंगी. सी पर्सनली आई डोंट बिलीव इन दोज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज लाइक क्रैक डैश डैश एग्जाम इन 20 days, क्रैक दिस एग्जाम इन 10 days, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. यू कांट क्रैक अ सिंगल एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज यू हैव गेन्ड इन 20 days. बट इस टाइम पे आप ये कर सकते हो कि आपने जैसे 11th 12th में यही बुक्स पढ़ी है, 11th 12th का जो पढ़ा हुआ है ना, उसको आप रिकॉल करवा सकते हो. वो नॉलेज को वापस रिकॉल करके 20 डेज को इस तरह से यूज़ करो कि वो पूरा नॉलेज आप रिकॉल कर लो और एग्ज़ाम में वो चीज़ कर पाओ. ठीक है, एग्ज़ाम में वो चीज़ आपको याद हो, एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको ये भी फील आ जाती है ना कि यार मैंने कुछ तो कर लिया है, मैंने एक बार तो पूरा, मतलब हर एक चैप्टर को मैंने एक बार तो देख ही लिया है, अभी तक आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा, अब इसके बाद में आपको रिवीजन किस तरह से करना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये चीज़ फॉलो कर लोगे एग्ज़ाम तक तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक स्ट्रैटेजी नहीं है. ये कुछ कोई उस तरह की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है जिसमें आपको कैसा भी कुछ भी प्लान बता दिया जा रहा है और आप कर ले जा रहे हो, नहीं, बहुत ही रियलिस्टिक है. एक एक दिन का आपको टारगेट बताऊंगी मैं कि इस दिन क्या करना है, इस दिन क्या करना है, तो फिर हो जाएगा इजीली, वन स्टेप एट अ टाइम, और देखोगे आप कि एग्जाम आते आते कैसे चीज़ें खत्म हो गई पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है. तो मैंने कुछ इस तरह से ये प्लान बनाया है जिसमें आपको एक दिन में 2 subjects कवर करने हैं. ऐसा भी नहीं होगा कि मैं ऐसे कह रही हूँ कि लास्ट के 20 days बचे हैं तो आप 12 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करो, नहीं, 8 hours काफ़ी है. उसमें आपको क्या करना है, 2 subjects पढ़ने हैं, एक दिन में 2 subjects पढ़ने हैं, जिसमें से हमारे पास 3 subjects है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री. अभी के लिए मैं जीके को स्किप कर रही हूँ, अगर आप चाहते हो तो हर एक दिन आधा घंटा दे सकते हो जीके को, 20-30 minutes सफिशियंट है. ठीक है, आप कर सकते हो प्रैक्टिस, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है, अभी पीसीबी पे फोकस करिए, है ना, क्योंकि ये पोर्शन बहुत बड़ा है, 90 marks का है. तो बायोलॉजी के लिए अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया 20 से, है ना, 20 में, मतलब अगर आप कल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और आपका एग्जाम है 12th of June को, तो कल से आप स्टार्ट करेंगे और 10th June तक अपन टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, उस दिन आप देख लीजिए, अगर आप जिस टाइप के स्टूडेंट हैं एग्जाम के एक दिन पढ़ना प्रेफर करते हैं तो रिवाइज करो, नहीं तो छोड़ दो उस दिन, मज़े करो, है ना, अगले दिन जाके एकदम फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम दो. बट 20 May से लेकर 10 June तक आपको क्या करना है ये देख लीजिए. 20 May से लेकर 10 June के 10 June तक 21-22 days है अपने पास, जिसके अंदर अपन बायो अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो पर डे 2 chapters करेंगे, रिवाइज 2 chapters पर डे, तो 19 days में बायो के कितने चैप्टर है, 38 chapters है. 11th बायो में है 22 chapters और 12th बायो में है 16 chapters, 38 chapters है, 19 days में कंप्लीट हो जाएंगे. एक दिन में 2 chapters रिवाइज करना, बायो में एक दिन में 2 chapters रिवाइज करना बहुत बड़ी बात नहीं है. इस टाइम पे आके आप एक दिन में 2 chapters 2 घंटे मैक्स 2 hours में रिवाइज कर सकते हो, 30-30 minutes क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खत्म, 3 hours में बायो का खेल खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया अपना बायो का. 19 days तक फर्स्ट रिविजन कैसे करना है हमें, है ना, हो जाएगा फर्स्ट रिवीजन. उसके बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिवीजन जो है वो अपना 8 June तक कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट रीडिंग. उसके बाद में फाइनल रिवीजन 9th of June को आप 11th रिवाइज कर लीजिए पूरा, 9th को आप 11th रिवाइज कर लीजिए पूरा और 10th को आप 12th बायो रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, ये हो गया अपना बायो का. बायो रोज चलेगा, है ना, बायो को हमने जैसे मैंने ऐसे कहा एक दिन में हम 2 subjects कवर कर रहे होंगे. बायो को आज से मैं एक दिन 2 chapters बायो के पढ़ूंगी तो एग्जाम के दिन तक मैं बायो रेगुलरली पढ़ रही होंगी. ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना. और फिजिक्स केमिस्ट्री को हम बांट देंगे. अगर इतना काम कर लोगे ना आप बायो में, जो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना काम कर लोगे लास्ट के इतने टाइम के अंदर, तो भी आपका बायो में 25 से लेकर 28 questions तक ईजिली सॉल्व कर सकते हो सिर्फ ये NCERT बेस्ड नॉलेज पे. तो हम इस हिसाब से 25 marks क्या है बायो में लेके चलते हैं. बायो में हमने अगर ये चीज़ करी तो हम 25 marks स्कोर कर सकते हैं. नेक्स्ट अब अपन स्टेप देखते हैं हमें क्या करना है. एक दिन में मैंने बायो तो पढ़ लिया, ये क्या करा मैंने, ठीक है कोई बात नहीं है, एक दिन में मैंने बायो तो पढ़ लिया, अब मुझे क्या करना है, उसी दिन फिजिक्स को क्या टाइम दूंगी मैं, इस पूरे पोर्शन का जो मेरे पास 21 days है इसका 1 हफ्ता देने वाली हूँ मैं सिर्फ. ये 1 week जो है, ये 1 week इसमें मुझे फिजिक्स पढ़ना है. ये फर्स्ट वीक में इतने दिन आएंगे 20 से लेकर 26 तक, जिसमें मैं हर एक दिन एक यूनिट कवर कर रही होंगी फिजिक्स की. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट करना, क्यों नहीं है, अभी ये टाइम नहीं है कि तुम डिटेल में पढ़ो. अब एक यूनिट कवर करने का मतलब है कि जैसे मैंने 20 को इलेक्ट्रोस्टैट्स किया तो 20 को मुझे इलेक्ट्रोस्टैट्स में सारे फॉर्मूला कर लेने हैं और उसमें टिपिकल जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं
इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऊपर ऊपर जो क्वेश्चंस दिखते हैं ना, जो चलते रहते हैं, जो ट्रेंड में होते हैं क्वेश्चंस, वही टाइप उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो ट्रेंड में होते हैं, तो वो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस देख लेने हैं और क्या कर लेना है, फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लेनी है और कुछ नहीं करना है। अब फिजिक्स में लास्ट के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस देखते रहना है ना, तो वो चीज़ तो हो सकती है। एक दिन में एक यूनिट करो तो आपका 7 डेज में क्या हो जाएगी, फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से, है ना। और फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन करना है, फिजिक्स हो गया, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस फिजिक्स में 22+ क्वेश्चंस जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो अगर आप इतना काम कर लेते हो 1 वीक में तो भी आप 20 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है, बिना नेगेटिव मार्किंग किए। तो हम फिजिक्स में टारगेट कर ले रहे हैं 20 मार्क्स, है ना, इसके बेसिस पे। फिर हमारा बचता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बस। अब देखो जो आपने फिजिक्स किया है, ये जो 7 डेज के लिए फिजिक्स किया है, इसके साथ साथ आप बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो, एक यूनिट फिजिक्स की कर रहे हो एक दिन में, और 3 घंटे इसको दे रहे हो बायोलॉजी में, 2 चैप्टर कवर करने के लिए दे रहे हो। अब आपका 1 वीक होने के बाद में फिजिक्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, अब आप फोकस करोगे बची हुई बायो पे और केमिस्ट्री पे, जिसमें से हमारे पास 15 डेज बचते हैं। तो हम 5 दिन किसको दे रहे होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 5 दिन किसको दे रहे होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और 5 दिन किसको दे रहे होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री को। देखिए अब केमिस्ट्री का प्लान डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि आपने पहले, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले नीट एग्जाम दिया हुआ है, तो नीट दिया इसका मतलब उन्होंने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ रखा है, तो उनके लिए केमिस्ट्री का ये प्लान परफेक्ट होगा कि वो 5 दिन ऑर्गेनिक करें, 5 दिन इनऑर्गेनिक करें, और 5 दिन फिजिकल केमिस्ट्री करें। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया है ना, जो सेल्फ स्टडी के बेस पे कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 15 डेज में 2 वीक्स में बांट लेना चाहिए 15 डेज को, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लो। ज़रूरी नहीं है तीनों पार्ट कवर करके जाना एग्जाम में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कर लो, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री कर लो। अगर ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री ये दोनों मिला के करते हो तो इनका वेटेज भी हाई है, तो आप आराम से 20 क्वेश्चंस कर ले जाओगे एग्जाम में। तो अगर यहाँ से आप ये चीज़ करके 20 क्वेश्चंस कर लेते हो तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, समझ रहे हो। इस तरह से आप 65 क्वेश्चंस कर ले रहे हो, 65 में से अगर मान लो ये सब पढ़ने के बाद कुछ अलग टाइप का चीज़ बन जाता है, तो भी आप 60+ तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कह रही हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जीके में अगर आपने 1-2-3 क्वेश्चन कर लिए तो आपको, आप इस टाइम के अंदर अंदर एक कॉलेज तो पाई सकते हो। अगर आप बहुत कम, मतलब अभी तक भी आपने बहुत कम पढ़ रखा है, तो भी इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे, मतलब इस कंप्लीट प्लान के बेसिस पे, लेकिन आपको ये चीज़ फॉलो करनी होगी, एक एक दिन वो काम करना होगा जो इसमें बताया हुआ है, और एकदम लाइक जिस किस दिन कौन सा करना है, ये तो मैंने ओवरव्यू बताया आपको कि 20 डेज में आप कैसे कर रहे होगे चीज़ें। और आपको और भी टारगेटेड वीडियो चाहिए, मतलब वीडियो नहीं सॉरी, डे वाइज टारगेट चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मैं कल से टारगेट अपलोड कर रही होंगी कि आज ये चैप्टर कवर कर लो, कल ये कर लो, परसों ये कर लो, और एग्जाम के एंड तक देखेंगे आप सब कुछ ऐसा मक्खन हो जाएगा और सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। एग्जाम से पहले एक बार नज़र के नीचे आ गया ना पूरा सिलेबस, तो भी वो बहुत सही होता है। टारगेट बेस्ड स्टडी इज़ ऑलवेज हेल्पफुल, ये आपको फोकस्ड रखती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें अपन कल से डे वाइज प्लान अपलोड कर रही होंगी मैं, ठीक है, बाय।